आप सभी का स्वागत है आपके अपने भी YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम गाजर और हरी मिर्च की चटपटा सा अचार बनाकर तैयार करेंगे। इस अचार को आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो गाजर ली है, जिसे मैंने धोकर सुखा लिया है। सबसे पहले हम गाजर को आगे के भाग को इस तरह काट देंगे और फिर पीछे के भाग को इस तरह काट देंगे। सब गाजर को हम ऐसे ही कर लेंगे और फिर हम इसे पीलर की सहायता से इसे इस तरह पील कर लेंगे। अब हम गाजर के इस तरह छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। इस तरह आप सारे गाजर को तैयार कर लें। यहाँ पर हमने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है। मिर्च को हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है और मिर्च की इस तरह हम डंडी को तोड़ लेंगे। सुखाने के बाद हमें पहले डंडी नहीं तोड़नी है, जब धो लेंगे उसके बाद डंडी तोड़नी है। और फिर मिर्च को भी हम गाजर की तरह ही काटेंगे। इसमें पहले बीच से कट कर लेंगे, फिर इसे हाफ कर देंगे ताकि अचार में गाजर और मिर्च एक जैसे लगे। अब हम गाजर और मिर्च को 3-4 घंटे धूप में रख कर सुखा लेंगे ताकि इसकी नमी निकल जाए। अगर आपके यहाँ धूप नहीं रहती तो इसे पंखे के नीचे 7-8 घंटे सूखने के लिए रख दें। चलिए अब मसाले तैयार कर लेते हैं अचार के लिए। यहाँ पर 1 टेबल स्पून कलौंजी ली है मैंने और 2 टेबल स्पून पीली वाली सरसों ली है मैंने और साथ में 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना और साथ में 3 टेबल स्पून सौंफ लेनी है हमें। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, जिसे हम गर्म होने के लिए गैस पर रख देंगे और फिर इसमें डालेंगे कलौंजी। कलौंजी को हमें 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है ताकि इसकी नमी निकल जाए। अगर आपके यहाँ धूप है तो इन मसालों को आप धूप में भी 2-4 घंटे के लिए रख सकते हैं ताकि इन मसालों की नमी निकल जाए। फिर उसी पैन में मेथी दाना और सौंफ डालकर हम 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। फिर हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में हम सरसों लेंगे। सरसों जब तड़कने लग जाए हल्का सा, तब हम उसे उतार लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाले बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। मैंने सब मसालों को इस खलबट्टे में थोड़ा दरदरा कूट लिया है। आप चाहे तो मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इसे दरदरा रखें तभी इसमें स्वाद आएगा। इन मसालों को मैंने एकदम दरदरा पीस लिया है। अब हम इन मसालों को एक जगह पर कर लेते हैं, ये पीसा हुआ मसाला और साथ में कलौंजी। फिर डालेंगे 1.5 चम्मच हम लाल मिर्च और साथ में डालेंगे 1.5 चम्मच हम नमक के और 1 चम्मच हल्दी का। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसे टेस्ट करके देख ले नमक सही है या नहीं। अगर कम हो तो और डाल दे। फिर हम उसी पैन पर 1/2 कप तेल लेंगे, यानी कि 120 ml तेल लेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रख देनी और फिर है इसे गर्म होने देंगे। जब यह अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसे नीचे उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। गाजर और हरी मिर्च को 4-5 घंटे हो गए हैं और इसका पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। तो अब हम इसका अचार बनाते हैं। तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग और फिर सारे मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फिर हम गाजर को डालेंगे और साथ में डालेंगे हरी मिर्च। और अब हमें इन सब को अच्छे से मिलाना है। अब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैंने जो यहाँ तेल लिया है वह मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि गाजर जब सॉफ्ट होती है तो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और तेल ऊपर आ जाता है। और लास्ट में डालेंगे हम इसमें विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। विनेगर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस तरह
आपका ये अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे 2-3 दिन धूप में रख दें ताकि यह ख़राब ना हो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है।